तो ये हमारा ईदगाह यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ कितनी। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो जैसे कि आपको पता है मैं सोपोरा से हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो ईदगाह है अभी सारा सोपोर वहाँ पे जमा होगा ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ की जो ईद की नमाज़ की टाइमिंग है वो 9 बजे है, तो 9 बजे तक हमें भी रेडी होना है। अभी 8 बजे है, तो पहले हम कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, आउटफिट हम अपना चेंज करते हैं और फिर निकल जाते हैं नमाज़ पढ़ने। तो आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है ईद के दिन। तो चलिए मिलते हैं हम अब तैयार होके। तो फाइनली रेडी हम हो चुके हैं, अभी बजे 8:30 और 9 बजे नमाज़ है, 8:45 तक हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी कुछ दोस्तों का वेट भी करना है, वो भी कपड़े ही पहन रहे हैं और उठानी है हमें जाए नमाज़, क्योंकि वहाँ पर जाए नमाज़ अपनी अपनी होती है। तो चलिए मिलते हैं हम आगे, अब दिखाते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ जमा हो चुकी होगी और दोस्तों का भी, तब तक वेट करते हैं। हमन पता बाबर आजमस या शहनशाह इला दम हो रज गुम सलीम स्कॉट मगा आजम खान खोल पे गुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहां पे हम कौन सी गलती तो यहां पर वीडियो बनाने आया है। हां भाई, तो यहाँ पे औरतें नमाज पढ़ते हैं साइड, तो उस साइड हम पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ का ईदगाह देख सकते हैं, भीड़ कितनी हुई है यहाँ पर। अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी तो बहुत लोग आने बाकी है यहाँ पर। 9 बजे की टाइमिंग है, अभी तो 10-12 मिनट है अभी भी। पक भ्रमा पको क्या ही बात है। तो फाइनली मको नमाज पढ़ बात तो सही है। भीड़ उच भीड़ मुसलमानों की दुनिया में। तो इत पे तुम वो भीड़ कच नूर गास मज तो गुन कोर प्रोग्राम वो हंदवोर माम सुमो तौर फिर चेर तन। तो चलो वो वत वत क्यू तह तो क्यूथ व्यू आ वत वत। तो ये हम चौगला पहुंच चुके हैं, चौगला बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं, यहाँ का व्यू देखिए आप पहले सके और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिले, और बाकी व्यू देखिए आप यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी आप। तो अब हमें और भी ऊपर जाना है, कम से कम 10-15 किलोमीटर यहाँ से। तो चलिए आगे देखते हैं आप। फाइनली वो माता पास प्रोस यू कैसी है।